इसमें जो शुरुआत में जो बात आई थी कि पुलिस ने जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, एक राहुल नाम का आदमी था और 4 सपेरे थे, उनके पास से 20 ml की क्वांटिटी मिली थी जो जहर बताया जा रहा है, जो FSL की रिपोर्ट आई उसमें भी प्रूव हुआ, तो ये क्वांटिटी का काफ़ी है। देखिए जहाँ तक मैं उसमें मुझे क्योंकि मैंने मुझे याद नहीं है और मैं उसमें क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि उसका आपके अलग अलग शेड्यूल बना हुआ है NDPS के अंदर, कभी कभी किसी आदमी से आपका ज़्यादा क्वांटिटी में भी इलीगल नहीं होता क्योंकि उसके पास लाइसेंस होता है उसी चीज़ को कैरी करने का। आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो आपको जो प्रोहिबिटेड मेडिसिन हैं उनका एक पूरा वो मिलेगा, लेकिन उनके अगेंस्ट केस नहीं बनता क्योंकि उनके पास उसका प्रॉपर लाइसेंस है। और उसमें भी 2-3 चीज़ें दी गई हैं कि ऑफेंसिज बाई इंडिविजुअल, ऑफेंसिज बाई ग्रुप, ऑफेंसिज बाई कंपनीज और अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। तो आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ये हमारे NDPS एक्ट के अंदर पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। और क्योंकि पुलिस ने जिस केस में अरेस्ट किया है वो क्वांटिटी जो है स्मॉल है, वो आप वो कोर्ट डिसाइड करेगी, और अगर वो लगता है कि एक स्मॉल क्वांटिटी है और या इस तरह का कोई ट्रेड या बिजनेस या कुछ नहीं हो रहा था तो कोर्ट उसमें निश्चित तौर पर एक राहत कोर्ट दे देती है। इसमें एक चीज़ हो रही थी कि ट्रेड नहीं किया जा रहा था, ये फाइनेंस करते थे इस तरह के, बेसिकली वही 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 चीज़ फिर हमारी क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद एक ट्रायल का एक मुद्दा है कि भाई आप उसका पर्पज क्या था, आप उसको किस लिए रखे हुए थे, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने तो हर कोई मतलब ये कहता है कि भाई ये था, लेकिन जब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाती है सरकमस्टांसेस आपके कॉर्पोरेट होते हैं तो जैसा केस होएगा आपने देखा होगा बड़े बड़े हीनियस क्राइम्स में भी आदमी को रिलीफ मिल जाता है कई बार जब लगता है कि ये ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा बताया गया है, और उसके हिसाब से जैसा भी आगे फर्दर मिलेगा वो चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी और जल्दी आ जाएंगी।